हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, टिशू, जो कि साइंस सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो यह जो है हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि टिशू क्या होते हैं और प्लांट टिशू और एनिमल टिशूज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने देखा प्लांट टिशू। प्लांट टिशू दो तरह के होते हैं, एक तो मेरिस्टमेटिक टिशू और दूसरे जो होते हैं परमानेंट टिशू। तो मेरिस्टमेटिक टिशू जो है कि रूट और शूट टिप पे होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं और बेस पे होते हैं। तो जो लेटरल साइड में होते हैं उनको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, जो बेस पे होते हैं उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, और जो एपिक्स पे होते हैं, मीन्स कि जो टिप पे होते हैं, उनको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो मेरिस्टमेटिक टिशू होते हैं वही जो हैं कि सिंपल परमानेंट टिशू में बदल जाते हैं डिफरेंशिएट होने के बाद। और ये परमानेंट टिशूज को भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। कुछ तो सिंपल परमानेंट टिशूज होते हैं जिनमें कि आते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये जो है सिंपल टिशूज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जब देखते हैं कि पेरेनकाइमा को, तो कभी कभी पेरेनकाइमा में फोटोसिंथेसिस भी होने लगती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए तो हम लोग जो है कि इसको क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं। कभी कभी जो है जो प्लांट्स जो है कि वाटर में पाए जाते हैं उनमें जो पेरेनकाइमा होती है उनमें एयर कैविटी होती है, और इस एयर कैविटी की वजह से ये जो पेरेनकाइमा है ये हल्की हो जाती है, बायो सी प्रोवाइड करती है, तो इसलिए हम इनको जो है कि एरेनकाइमा बोल देते हैं। इसी तरह से कहीं कहीं पे ये पेरेनकाइमा जो है कि फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को वीडियो फर्स्ट में पढ़ा दिया था, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे पेरेनकाइमा के कुछ एग्जाम्पल्स, जो फ्लैक्सीबिलिटी होती है प्लांट में ये भी जो है कि परमानेंट टिशू के कारण ही होती है, लेकिन ये कौन सा है परमानेंट टिशू, ये है कोलेनकाइमा। इट अलाउ इजी बेंडिंग इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जो कोलेनकाइमा होता है वो प्लांट्स में बेंडिंग प्रोवाइड करता है, लचीलापन प्रोवाइड करता है विदाउट ब्रेकिंग, और ये टूटता भी नहीं है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, यह जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलांगेटेड एंड इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर्स, देर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपने देखा कि पेरेनकाइमा की जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं उनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए हम जो है, और हाँ यहाँ पे है जो है कि वाल जो है अनइवन होती है, कुछ लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है। यहाँ पे हम जो ये फिगर्स देख रहे हैं इसको हम लोग समझ लेंगे, ये सिंपल टिश्यू के हैं, ये जो है ना ये पेरेनकाइमेटस सेल का है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सेकंड जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है, और थर्ड जो है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पेरेनकाइमा का ही, और ये जो दूसरा वाला है ये है कोलेनकाइमा का। ठीक है, तो ये जो फोटो हम जो देख रहे हैं ये है कोलेनकाइमा का, इसकी वाल जो है वाल थिकनिंग होती है, यहाँ पे इंड वाल है, यहाँ पे लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, नैरो लिमेंस होते हैं, लिग्निफाइड थिक वाल्स होती है, और ये जो है ये पेरेनकाइमा सेल्स हैं। तो आपने देख लिया, आपको समझ में भी आया मुझे ऐसा लग रहा है। एट अनदर टाइप ऑफ द परमानेंट टिशू इज स्क्लेरेनकाइमा, और जो नेक्स्ट टाइप है परमानेंट टिशू में वो है स्क्लेरेनकाइमा। दिस टिशू, इट इज़ द टिशू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो यह जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिशू होता है यह प्लांट को हार्ड और
टिफ बनाता है. वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट. इट इज मेड ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. दे आर लॉन्ग एंड नैरो. तो यह जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. ये जो है डेड सेल्स होती हैं. डेड सेल्स के बने होते हैं. लॉन्ग और नैरो वॉल्स होती है और इनकी वॉल थिकनिंग हो जाती है ड्यू टू लिनिन के जमा होने से. ठीक है. और यह जो है हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है. ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ट कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. ठीक है. तो इस स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन भी आपने देख लिया कि यह जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. What you observe in the outermost layer of the cell called epidermis. The epidermis is usually made up of the single layer of the cell. In some plant living in the very dry habitat, epidermis may be thickened since protection against water loss is critical. The entire surface of the plant has this outer covering of epidermis. मीन्स कि कुछ प्लांट्स की एपिडर्मिस जो है वो बहुत थिक हो जाती है. वैसे भी जहाँ पे वाटर कम होता है वैसे इस एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके कवरिंग जो होती है एपिडर्मिस की वो जो है थिक होती है. इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है. Epidermal cells on the aerial part of the plant often secrete a wax. ठीक है. तो epidermal cells जो होती है जो कि aerial part पे होती है plant के वो wax secrete करती है. ठीक है. वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन दियर आउटर सरफेस. तो ये क्या करता है वाटर लॉस जो है जो प्लांट से होता है उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कोई पैरासाइट फंगी वगैरह नहीं इंटर कर सकते. ये भी एक प्रोटेक्शन है. सिंस इट इज है प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म द कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. और जो एपिडर्मल सेल्स होती है उनके जो ये लेयर होती है आउटर स्पेस पे वहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट. ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स. ठीक है. यू कैन ऑब्जर्व मीन्स कि यहाँ से हम लोग देख के बता रहे हैं कि हम जो है कि जब एपिडर्मिस को देखते हैं ये एक एक्टिविटी जो हमने की और यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हमें स्टोमाटा की ओपनिंग दिखाई देती है जो कि गार्ड सेल से कवर्ड रहती है और जो है यह ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है यहाँ पे. और जो चीज़ें हम समझ सकते हैं वो ये है कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स. मीन्स की रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो जो है मिट्टी से वाटर को खींचता है. इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ द क्यूटिन. ठीक है. क्यूटिन की एक लेयर होती है जिससे कि वाटर लॉस से बचा जा सकता है. मीन्स की प्लांट अपने आप को बचा सकता है. एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस. ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर. दिस फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है. तो जो भी हम बहुत ही पुराने ओल्ड ट्रीज पे देखते हैं तो हमें बार्क दिखाई देता है. यह भी जो है डेड एपिडर्मल सेल्स से बना हुआ बार्क होता है और यह डेड होता है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया प्रोटेक्टिव टिश्यूज के. अब जो है कि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया. अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनमें दो ग्रुप्स आते हैं. एक तो आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम.
तो जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है प्लांट्स में, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है प्लांट्स में. द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ मेड अप ऑफ द सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम जो होता है वो कौन कौन सी सेल्स से बना होता है. तो जाइलम में ट्रैकेट्स होती है, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है एंड जाइलम फाइबर होते हैं. द सेल्स हैव द थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स. ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. जो ट्रैकेट्स होती है और वेसल्स होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली. और जो पेरेन्काइमा होता है वो स्टोर करता है फूड को और हेल्प करता है इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ द वाटर. फाइबर आर मेनली सपोर्टिंग इन फंक्शन. यहीं पे तो हमने पढ़ा कि जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें जाइलम आता है और फ्लोएम आता है. जो जाइलम टिश्यू होता है वो चार तरह की सेल से बना होता है, ट्रैकेट्स, वेसल एंड जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. इसी तरह से फ्लोएम पे आते हैं तो फ्लोएम भी जो है कि फ्लोएम जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये भी चार टाइप की सेल से बना होता है, सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. तो यहाँ पे देखते हैं सिप ट्यूब जो होती है ट्यूबुलर सेल्स होती है, उसमें परफोरेटेड वॉल्स होते हैं. फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स. ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था कि फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. यहाँ पे आप इमेज को बहुत आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. हम जो है कि आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे एनिमल टिश्यू. एनिमल जो टिश्यू होते हैं उसका एक स्टमक है, क्लियर कर लेके हमने यहाँ पे कट कर दिया. यहाँ पे देखा तो हमें क्या क्या दिखता है एनिमल टिश्यू में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ टिश्यूज के नाम लेते हैं. एपिथेलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू में पहला जो है हमें पढ़ना है वो है एपिथेलियल टिश्यू. ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कवरिंग और द प्रोटेक्टिव कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं इन द एनिमल बॉडी. ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू जो है कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लंग एल्वियोलाई, किडनी, ट्यूब्यूल आर ऑल मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. तो ये हमें याद रखना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल से पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता भी है. एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट. दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस. तो हमने ये पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. इनके सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है. ठीक है, एज ए रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ द वेरियस एपिथेलियल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Regardless of the type, all epithelium is usually separate from the underlying tissue by an extracellular fiber basement membrane. Different epithelial show different structure that correlate with their unique function. Means कि epithelial tissue में भी बहुत सारे type के होते हैं और ये type जो होते हैं उनके function के basis पे ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो this is called the simple squamous epithelium. तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, सेल्स होती है, वो बहुत ही पतली और थीन होती है, डेलिकेट होती है. और यह जैसे कि हमने पढ़ लिया कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, अब इसमें वैरायटी जब हम पढ़ते हैं तो आ जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम. तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, ओसोफेगस की लाइनिंग बनाता है और माउथ की लाइनिंग बनाता है. हाँ, और कवर विद द स्क्वेमस. द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम. हमारी बॉडी जो कि स्किन जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है.
स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न्स ऑफ लेयर दे एंड द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine tall epithelial cells are present. तो tall epithelial cells को क्या कहते हैं? columnar pillar like epithelial facilitate movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract the columnar epithelium tissue has means की columnar tissue columnar epithelial जो tissue होते हैं उसमें cilia भी होती है और जब cilia होती है तो उसको ciliated epithelium भी बोलते हैं. कहीं कहीं पे क्यूबॉइडल फॉर्म में ये एपिथेलियल सेल्स होती है तो वहाँ पे उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं. और ये कहाँ होती है? किडनी ट्यूब्यूल्स में होती है एंड डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट हम जो अभी तक हमने जो पढ़ा है एपिथेलियल टिशू एनिमल टिशू में एक टाइप को पढ़ लिया एपिथेलियल टिशू. दूसरा जो टाइप है वो है कनेक्टिव टिशू. तो ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिशू का एग्जाम्पल है. कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? तो यह जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लूजली स्पेस्ड होते हैं और इम्बेडेड होते हैं कहाँ पे? इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड और डेंस मटेरियल होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर एडिपोज और कॉम्पैक्ट बोन हाइलाइन कार्टिलेज टाइप ऑफ. तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे जो है एग्जांपल हैं कनेक्टिव टिश्यू के. ठीक है. ये सारे के सारे एग्जांपल हैं कनेक्टिव टिश्यू के. जैसे कि एडिपोज टिश्यू जो होता है एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू और कॉम्पैक्ट बोन के जो टिश्यू है हाइलाइन कार्टिलेज के जो टिश्यू है और ई जो है टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं. ब्लड है जो फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन साल्ट एंड हार्मोन. ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस डाइजेस्ट फूड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. बोन जो होता है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है. यह जो है हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क और सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करता है. इट आल्सो एंकर द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. यह जो है मसल्स को एंकर करता है और मेन ऑर्गन मीन्स की मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सीबल टिश्यू होता है. जो बोन होता है नॉन फ्लैक्सीबल होता है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी. यह बोन सेल्स जो होती है मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है और यह जो है कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपाउंड से बनी होती है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होती है हार्ड होती है. टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट. लिगामेंट जो है वो अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो टेंडन और लिगामेंट ये दोनों भी एक टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू हैं. और यह जो है लिगामेंट जो है एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है. टेंडन जो है एक बोन को दूसरे मसल से जोड़ता है. टेंडन आर फाइबरस टिश्यू विथ द ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लैक्सीबिलिटी. अनदर टाइप ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज. हैज वाइडली स्पेस्ड सेल. द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड सुगर्स. कार्टिलेज जो होता है एक अलग तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है. और सॉलिड मैट्रिक्स जो होता है इसका वो प्रोटीन और शुगर का बना होता है. कार्टिलेज जो है स्मूथन करता है बोन सरफेस एट द जॉइंट एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज ईयर ट्रेकिया एंड लैरिंग्स. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म्स. थिंक ऑफ How the two tissues are different. Next जो connective tissue है वो है areolar connective tissue जो कि कहाँ पे पाया जाता है?
वो बिटवीन स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है, फॉर्म और अराउंड द ब्लड वेसल एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी? फैट स्टोरिंग एडिपोज जो टिश्यू होते हैं हमारे स्किन के नीचे होते हैं, और यह जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो बच्चों, मस्कुलर टिश्यू जो है ये एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के एपिथेलियल टिश्यू को और कनेक्टिव टिश्यू को कर लिया। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।